नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल फतह करने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पे थी। 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पे उन्होंने तमाम स्टालवार्ट से मुलाकात की, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर, जो सबसे बड़े रणनीतिकार इस समय दिख रहे हैं और कांग्रेस में उनके शामिल होने की बात है, और भी कई नेताओं से वो मिली, किसान नेताओं से मिली। लेकिन शरद पवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई। एनसीपी के चीफ हैं और इस समय भारतीय राजनीति में जितने बुजुर्ग नेता दिखाई दे रहे हैं, अनुभवी दिखाई दे रहे हैं, उसमें से वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और अनुभवी हैं। उन्होंने जाते समय ये कहा कि शरद पवार से उनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस बीच एक और शख्सियत संसद में दिखी, वो है लालू प्रसाद यादव। गए थे वो वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन इसी बहाने मेल मुलाकातें भी हुई और उनसे मिलने के लिए शरद पवार, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव तो रिश्तेदार भी लगते हैं, लेकिन शरद पवार पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि आखिरकार जिस प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए पिच तैयार की थी, शरद पवार से 3 मुलाकात की थी मुंबई से लेकर के दिल्ली तक, वो शरद पवार दिल्ली में होते हुए आखिरकार ममता बनर्जी से क्यों नहीं मिले? सवाल तो उठते हैं और राजनीति में इन्हीं संदेशों से एनालिसिस और अटकलें भी लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरद पवार नहीं चाहते हैं कि मोदी को न घेरा जाए, वो चाहते हैं कि मोदी को घेरा जाए। और विपक्ष यदि अब भी पीएम मोदी को नहीं घेर पाया, बीजेपी को नहीं घेर पाया, तो इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता। वजह सुनिए, कोरोना का संकट, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, पेगासस जासूसी मामला, महंगाई चरम पे, चीन के साथ तनाव में भारत कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहा है, मतलब जो नेतृत्व उभर के आना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। तो ये वो मुद्दे हैं जिस पे कि सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। और अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, 5 राज्यों में यूपी समेत शुरुआत में ही अगले साल के चुनाव हो जाना है। उसके मद्देनज़र देखें तो बीजेपी को घेरने के लिए, पीएम मोदी को घेरने के लिए ये जो विपक्ष एकजुट हो रहा है वो एकदम सही रणनीति है, यही सही मौका है। लेकिन क्या ममता बनर्जी मेढक तोल रही हैं? मेढक तोलने का मतलब तो आप ये मुहावरा है, समझ ही रहे होंगे, विपक्ष के सारे नेताओं को एक करना बड़ा मुश्किल काम है। शरद पवार के न मिलने से बहुत सारी बातें हो रही है और अटकलें लग रही हैं। एक बात ममता बनर्जी की एकदम साफ समझ में आ रही है कि वो न तो इस समय विधायक हैं और न सांसद हैं, न राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, न विधानसभा में। विधानसभा में इस नाते वो जाएंगी अभी, क्योंकि 6 महीने तक उन्हें अधिकार है कि बिना सदस्य होते हुए भी मुख्यमंत्री रह सकती हैं। वो भी एक क्राइसिस आने वाली है, कोरोना की 3री लहर आ गई और 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हुआ तो उनको रिजाइन करना पड़ सकता है। इसके बावजूद ममता बनर्जी सांसद न होते हुए भी पिछले हफ्ते संसदीय दल का नेता चुनी गई। सवाल जब ये उठे तो उनके सांसद जो ब्रायन हैं उन्होंने ये जवाब दिया था कि वो बहुत ही अनुभवी हैं, 5 बार सांसद रह चुकी हैं और उनका नेतृत्व की ज़रूरत है, उनके अनुभव की ज़रूरत है, इसलिए हमने उनको संसदीय दल का नेता बनाया है। संसदीय दल का नेता इसलिए नहीं बनाया, संसदीय दल का नेता तो वो पश्चिम बंगाल में बैठ करके भी नेतृत्व कर सकते, इसलिए कि वो मैसेज दे रही हैं कि मैं अब 2024 के लिए तैयार हूँ। इस पे भी उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि सवाल नेतृत्व का नहीं है, उचित समय पे डिसीजन ले लिया जाएगा, ये सब कुछ परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। और अब उन्होंने नारा दिया है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ये भी कहा है उन्होंने कि हर 2 महीने अब मैं दिल्ली आऊँगी और मैं किसान आंदोलन का समर्थन करती हूँ, किसानों के मुद्दे का समर्थन करती हूँ। तो भाई कोई भी किसानों के मुद्दे का समर्थन करेगा, डीजल पेट्रोल कीमतें कम करने की बात करेगा, पेगासस मामला जो जासूसी मामला हुआ है उसको उठाएगा ही कि निजी व्यक्ति के निजी जो अधिकार है उस पर हमला हो रहा है, महंगाई का सवाल उठाएगा ही। लेकिन दो बातें यहाँ पर फंस गई हैं, एक तो क्या ममता बनर्जी जो 2024 का नेतृत्व करना चाहती है उसको लेकर के सोनिया गांधी और शरद पवार को ये मंजूर होगा? शरद पवार कहीं इसलिए तो दूर दूर अभी नहीं रहे कि जरा देख ले कि ममता बनर्जी कितने मेंढकों को तोल पाती है, क्योंकि शरद पवार लालू यादव से मिलते हैं, रामगोपाल यादव और अखिलेश के साथ ही मिलते हैं, आप तस्वीरों में भी देखेंगे। अब ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं होती है, टेलीफोन पर बात होती है।
तो अभी बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं, और जैसे ही जैसे ये मुहिम आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप मान के चलिए कि नेतृत्व को लेकर के आपसी रिफ्ट उभरेंगे। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो सब कुछ ढका छिपा है कि शरद पवार से टेलीफोन में बातचीत हो गई है, अगली बार आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी, या बातचीत होती रहती है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तब भी शरद पवार ने उनका समर्थन किया था, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, उधर नीतीश कुमार किससे मिल रहे हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला से मिलने की बात हो रही है, के सी त्यागी जा करके ओम प्रकाश चौटाला से मिलाए हैं। तो जो ये मुहिम चल रही है विपक्ष की, वो भी कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार ये भी दिखाना चाहते हैं बीजेपी और मोदी को कि हमारे पास भी विकल्प है। अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ पश्चिम बंगाल में, सॉरी बिहार में, वो ये हुआ है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जाकर के नीतीश कुमार से मिले। राजनीति में मेलजोल चलता रहता है, लेकिन वो जो मुद्दा है वो मुद्दा बीजेपी और मोदी को घेरने वाला है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी और नीतीश कुमार के सुर इसमें एक जैसे हैं। तो अब वो आ रहे हैं दिल्ली नीतीश कुमार, तो तेजस्वी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री से मिल करके आप ये मांग कीजिए और इस मांग को मनवाइए, आप NDA में हैं और यदि सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है तो हम निजी खर्चे पर जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। वो भी मुद्दा फंसा हुआ था। नीतीश कुमार यूपी का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें भी जो अलग अलग घटक दल है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में बिहार में रिफ्ट है उसका असर यूपी में भी दिख रहा है, तो वो भी उधर मेलजोल बढ़ा रहे हैं कि जो ओम प्रकाश चौटाला से मिल रहे हैं या जो तेजस्वी से भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये भी संकेत तो है ही कि हमारे भी सामने भी विकल्प है। तब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष ये जो तैयारी कर रहा है अलग अलग गुटों में ही बट के सही नीतीश कुमार को भी थोड़ी देर के लिए NDA में होते हुए भी पिंगे जो बढ़ रही है उधर की तरफ वो एक अलग एंगल है मान लेते हैं, तो ये कहाँ तक सफल हो पाता है, हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।